हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है DMR की जो वैकेंसी है उसके बारे में रेगुलरली अपडेट चल रही है कि DMER की जो वैकेंसी है हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। जो वैकेंसी की वहाँ पर पोस्ट दी गई थी वो किस बेसिस पर वो वैकेंसी रहने वाली है, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि वो वैकेंसी किस बेसिस पर रहने वाली है, हमारी बात हुई है। तो उसके बाद में जो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन पता चली है DMR के बारे में, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं जानकारी दूंगा। और DMR कौन सी, DMR हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी के बारे में डिटेल दी गई थी उसके बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ी, इसके साथ ही मैं आपको एक बड़ी खबर यहाँ पर बता देता हूँ कि आपकी जो SGPGI की वैकेंसी है, SGPGI की वैकेंसी आपकी फरवरी में आने के पूरे पूरे चांस यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपका फरवरी के अंदर आपका नोटिफिकेशन है वो निकल जाए SGPGI का। साथ ही साथ मैं आपको एक भर्ती के बारे में और यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ कि DMER मुंबई, ठीक है, DMER मुंबई, इसकी तरफ से भी आपको यहाँ पर जो स्टाफर्स की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। परमानेंट आपकी वहाँ से जो वैकेंसी है वो रहेगी। तो प्रेजेंट में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे DMER हरियाणा की जो वैकेंसी थी उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी कैंडिडेट के बारे में कमेंट आ रहे थे कि सर ये डेपुटेशंस के आधार पर है, ठीक है, डेपुटेशंस के आधार पर जो भर्ती है वो है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, डायरेक्टर ऑफ द मेडिकल एजुकेशन रिसर्च हरियाणा की तरफ से जो DMR की तरफ से जो वैकेंसी है जिसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर दिया गया था। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या था ये देख लीजिएगा, सब्जेक्ट ये था फिलिंग अप द वेरियस वैकेंट पोस्ट, यानी कि जो वेरियस यानी कि बहुत सारी वैकेंट पोस्ट है गवर्नमेंट, यानी कि ये सिर्फ GMC यानी कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों को के अंदर जो पोस्ट है उनको भरने के लिए यहां पर ये वैकेंसी है वो निकाली गई थी। तीन कॉलेज यहां पर दी गई थी, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरियावास की दी गई थी जो कि महेंद्रगढ़ में है, और नेकीराम गवर्नमेंट को मेडिकल कॉलेज भिवानी की थी, और संत दान भगत जी गवर्नमेंट कॉलेज जींद की थी, ठीक है। ये तीन कॉलेज थी, इन तीन कॉलेजों के अंदर जो वैकेंट पोस्ट थी इन वैकेंट पोस्टों को यहाँ पर अप्लाई करने की बात कही गई थी। तो उसके बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो जरूर करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे बड़ा आपको यहाँ पर शब्द देखने को मिलेगा किसके आधार पर, डेपुटेशंस के आधार पर, ये सबसे बड़ी आपके लिए ये शब्द रहेगा, ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट और मायने रखता है इस वैकेंसीज के अंदर। तो इसके बारे में आपको मैं कंप्लीटली यहाँ पर जानकारी दूंगा कि डेपुटेशंस क्या होता है, ठीक है, और डेपुटेशंस के आधार पर जो भर्तियाँ हैं वो किस प्रकार से की जाती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर जो पोस्ट आपको दी गई थी या जिन पोस्टों की आवश्यकता है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। डेपुटेशन वाइज पोस्ट ऑफ द फैकल्टी आपको यहाँ पर, यानी कि प्रोफेसर की पोस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट डेपुटेशन प्रोफेसर कॉलेज के अंदर जाएंगे तो प्रोफेसर के रूप में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो पोस्ट आपको दी गई थी ये देख लीजिए, टोटल 237 पोस्ट आपको यहाँ दी गई थी। उसके बाद में अलग अलग ग्रुप सी की पोस्ट थी, ग्रुप सी की आपको पोस्ट यहाँ पर कितनी दी गई थी, 1334 आपको यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट दी गई थी, ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई थी। अब जो मेन बात करेंगे वो करेंगे डेपुटेशन बेसिस के आधार पर। तो डेपुटेशन बेसिस के आधार पर मैं आपको यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट देने वाला हूँ कि डेपुटेशन बेसिस क्या होता है। काफ़ी कैंडिडेटों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे पास कमेंट कर रहे थे सर ये डेपुटेशन बेसिस क्या होता है और किस प्रकार से जो भर्ती है वो करवाई जाती है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, सबसे पहले हम ओनली वर्ड के बात कर एक ओनली वन वर्ड के बाद के बारे में बात करेंगे, वो डेपुटेशन, ठीक है। डेपुटेशन क्या होता है कि मान लीजिए DMR ने पहले भर्ती करवाई, ठीक है, और पहले भर्ती करवा के उन्होंने हॉस्पिटलों के अंदर स्टाफ नर्स यानी कि स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर को उन्होंने क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, यानी कि पुरानी भर्ती के अंदर नर्सिंग ऑफिसरों को यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया या स्टाफ नर्स को ज्वाइन करवा दिया। उन्होंने अच्छा 2 या 3 साल तक काम किया, या काम करने के बाद कुछ तो क्या होता है, जो कुछ स्टाफ नर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना कुछ रिलैक्सेशन के लिए या फिर अपना माइंड क्या था कॉलेजों में थोड़ा माइंड जो अपसेट है वो कम होता है बजाय हॉस्पिटल के, तो कुछ स्टाफ क्या होते हैं जानबूझकर अपना डेपुटेशन यानी कि वो हॉस्पिटल छोड़कर कॉलेज में चले जाते हैं, ठीक है। डेपुटेशन बेसिस पर कॉलेज का मतलब यह है कि स्टाफ नर्स जो हॉस्पिटल का वर्क है उसको छोड़कर आप ट्विटर के लिए चले जाओ, ठीक है, ट्विटर के लिए चले जाओ, तो उसमें आपका क्या होता है, डेपुटेशन होता है, उसमें आपका प्रमोशन नहीं होता है, ठीक है। प्रमोशन और डेपुटेशन एक बहुत ही बड़े दोनों अलग अलग वर्ड है। प्रमोशन मतलब आपकी बढ़ोतरी, यानी कि आप और ऊपर चले जाओगे अपनी पोस्ट से, और डेपुटेशन का मतलब ये है कि आप अपनी जो पोस्ट है जो वर्क है उससे थोड़ा नीचे, यानी कि आपका सैलरी वगैरह थोड़ा सा डाउन हो जाएगा उसमें, और जो आपका जो सर्विस बुक है उसके अंदर आपको प्रमोशन की जगह आपका डेपुटेशन वहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है डेपुटेशन बेसिस पर जो एप्लीकेशन फॉर्म का भरने का मतलब ये है कि कुछ जो कैंडिडेट थे, ये एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना, सभी पोस्ट डेपुटेशन के आधार पर नहीं भरी जाएंगी। इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी पोस्ट
डेपुटेशन बेसिस पर भरने वाली नहीं है, ठीक है। इनमें से बहुत ज़्यादा पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट है जो डेपुटेशन मोड पर भरेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, एक लिस्ट जारी की गई थी कि डेपुटेशन वाइज पोस्ट ऑफ द फैकल्टी यहाँ पर बताई गई थी टोटल, तो इसके बारे में यहाँ पर जो टोटल पोस्ट आपको दी गई है ये देख लीजिएगा, ये जितनी भी पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है, ये सारी कितने डेपुटेशन मोड पर भरी जाएंगी, ठीक है। ये पोस्ट आपकी डेपुटेशन मोड पर भरी जाएंगी, ये लिस्ट नंबर ऑफ द पोस्ट, ये लिस्ट आपको दी गई है, ये लिस्ट आपकी डेपुटेशन मोड पर भरी जाएंगी। बाकी जो बची पोस्ट है उनके वैकेंसी कराने के यहाँ पर चांस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले और सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ पर क्या रहेगी कि DMR की जो वैकेंसी है उसकी जो डेपुटेशन के बेसिस पर जो पोस्ट भराई जाएंगी वो सबसे पहले यहाँ पर कार्य किया जाएगा, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपको दोबारा से यहां पर एडवर्टाइजमेंट दिया जाए, लेकिन फिलहाल में यहां पर जो एडवर्टाइजमेंट है ये डेपुटेशन बेसिस पर है, यानी कि डेपुटेशन के आधार पर ही पोस्ट भरवाने की यहां पर मांग की गई है। और आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेपुटेशन का मतलब क्या होता है या डेपुटेशन बेसिस मतलब क्या होता है, यानी कि पहले कैंडिडेट स्टाफ नर्स की पोस्ट पर हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे थे, उनको अब कॉलेजों के अंदर ला दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के अंदर ला दिया गया, मतलब उनका प्रमोशन की जगह डेपुटेशन के आधार पर उन्हें ज्वाइनिंग करा दी गई, ठीक है। बाकी इसमें ये नहीं है कि वो उनको प्राइवेट कर दिया ठेकेदार, नहीं, वो गवर्नमेंट रहेंगे और परमानेंट जो कैडर है उसके अंदर ही रहेंगे, लेकिन उनका कॉलेजों में यहां पर जो पोस्ट खाली थी, जिन कॉलेजों में जितनी भी पोस्ट खाली थी, जोन जोन से प्रोफेसर की पोस्ट खाली थी या ट्विटर की पोस्ट खाली थी, उन्होंने वहां से उठा के और ट्विटर की पोस्ट के ऊपर उन कैंडिडेटों को ला दिया है। यह है डेपुटेशन बेसिस जो भर्ती है उसका करवाना, ठीक है। अब रही बात न्यू भर्ती की कि न्यू भर्ती की क्या संभावना है, तो मैं आप सभी को बता दूं ये जितने भी 1800 प्लस जो पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ये 1800 प्लस पोस्ट यहाँ पर पूरी कंप्लीट तो डेपुटेशन बेसिस पर नहीं भरी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने दिखाई है एक लिस्ट स्पेशल दे रखी है, डेपुटेशन वाइज जो फैकल्टी है उसकी लिस्ट दे रखी है, वो पोस्ट आपके यहाँ पर डेपुटेशन बेसिस पर भरी जाएंगी। बाकी जो पोस्ट हैं उनका हो सकता है यहाँ पर वैकेंसी आपको निकाल दी जाए या फिर न्यू एडवर्टाइजमेंट आपका निकाल दिया जाए, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवानी थी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे, 2-3-4 दिन से काफ़ी रेगुलर कॉल आ रहे थे कि सर ये डेपुटेशन बेसिस क्या होता है, इसका हमें क्लियरली समझा दीजिए। तो आपको मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो डेपुटेशन बेसिस है उस चीज़ के बारे में मैंने आपको कम्प्लीटली डिटेल में आपको बता दिया है कि डेपुटेशन बेसिस क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर पता लग ही गया होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी इस वैकेंसीज के अंदर कोई डाउट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर जो प्रायोरिटी आपकी रहेगी, तो उस प्रायोरिटी में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको डेपुटेशन, ठीक है, डेपुटेशन की जो बेसिस जो वैकेंसियां हैं उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। डेपुटेशन बेसिस के बाद में आपकी जो न्यू वैकेंसी है उसके बारे में यहां पर कुछ सोचा जाएगा, ठीक है। अब न्यू वैकेंसी के बारे में क्या सोचा जाएगा ये चीज मैं आपको बता दूं, न्यू वैकेंसी का या तो इसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपका एप्लीकेशन ओपन होंगे, या फिर इसी के साथ साथ अगर नहीं होंगे तो आपको फिर दोबारा से एडवर्टाइजमेंट जारी कराया जाएगा, ठीक है। ये आपके DMR के बारे में डिटेल थी, ये सच्चाई थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। दो वैकेंसियों के बारे में मैंने आपको फर्स्ट के अंदर बताया था, एक मैं आपको बता दूं MP NHM CHO की भी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो निकाल दी गई है, दोबारा से फॉर्म है वो रीओपन कर दिए गए हैं, जिसकी जो पोस्ट है 980 पोस्ट यहाँ पर बताई जा रही है, तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी। बाकी डिटेल में मैं आपको जरूर वीडियो पहुँचाने की कोशिश करूँगा MP NHM CHO के बारे में भी। तो जो फ्रेंड्स हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर कर लें, जिससे आपको टाइम से अपडेट पहुंच रहे हैं, तो थैंक यू सो मच।